इंटेलिजेंस, शब्दों का सटीक प्रयोग करना, जनरल मॉडल। और जनरल मॉडल में कुल मिलाकर चार चीजें हैं जो पहली क्लास में बताई थी, बस उन चार को बोल दीजिए। इन्हीं चार को अपने अपने शब्दों में सेलोगी मेयर बोलेंगे और फिर डेनियल गोलमैन बोल देगा, वो चार के पांच कर देगा, हम चार में काम चला देंगे। सबसे पहली क्षमता है अपनी भावनाओं, समझना। यहां भावनाओं का मतलब सिर्फ भावना नहीं, अपनी भावनाएं, अनुभूतियां, मनःस्थितियां, वो सब। तो अपनी भावनाओं ओब्लिक मनःस्थितियों, मनःस्थिति का मोटा मोटा अनुवाद का मूड, मूड्स को समझना, अपनी भावनाओं मनःस्थितियों आदि को समझना, सटीक रूप में समझना, ये पहली चीज है। दूसरी चीज उसी से अगर लिंक कर दें, उन्हें नियंत्रित करना, उन्हें नियंत्रित या नियमित करना, विनियमित करना, रेगुलेट करना, कंट्रोल करना। सो सिंपल, अपनी भावना अनुभूतियों को समझ गए, उन्हें कंट्रोल कर लिया, रेगुलेट कर लिया। नंबर तीन क्या हो जाएगा, दूसरों की भावनाओं या मनःस्थितियों को समझना, दूसरों की भावनाओं आदि को समझना, समझने का मतलब सटीक अनुमान कर पाना उसका, ये हो गई तीसरी बात। और चौथी बात किसी से लिंक हो जाएगी, क्या हो जाएगी, उन्हें कंट्रोल करना, नियंत्रित करना या रेगुलेट करना, उन्हें कंट्रोल या रेगुलेट करना। बस चार बातें, इसमें से क्या खास बात है। अब बताओ ये क्षमता किसमें ज्यादा होती है, महिलाओं में? अच्छा, बारी बारी करना पड़ेगा, ये चारों मिला के एक ही चीज होती है क्षमता। अच्छा, जो पहले वाली है अपनी भावनाओं और मनःस्थितियों को समझना, ये महिलाओं में ज्यादा होता है, एग्जैक्टली समझ जाती है ये मन में क्या चल रहा है, तुलना में मतलब पुरुषों की तुलना में ज्यादा ठीक समझ जाती है और कंट्रोल नहीं कर पाती है। लेकिन पुरुष ज्यादा कंट्रोल कर लेता है। हाँ, जैसे पुरुष है रोना आ रहा है तो रोता नहीं है, जूते ठीक करने लग जाता है, ठीक है। और दूसरों की भावनाओं को समझने के मामले में महिलाएं पक्का, और कंट्रोल करने के मामले में ठीक से। आप लोग अपने ऊपर मत लीजिए कि आप पे आरोप लगने वाला है, आपको ईमानदार अपने पापा मम्मी को याद कीजिए, आपने अपने पेरेंट्स से कई युद्ध देखे होंगे, है ना, युद्ध मतलब प्रेम युद्ध भी देखे होंगे, नाराजगी वाराजगी वो सब देखा होगा, तो उसे बताइए कि कौन सी क्षमता के मामले में कौन आगे रहता है, कौन अपनी भावनाओं को ठीक से समझ पाता है, एग्जैक्टली ठीक से, पुरुष या महिला? पुरुष, कंफ्यूजन है। अच्छा, आत्मनियंत्रण किसमें ज्यादा होता है, महिलाओं में होता है? कुछ लोग कहते हैं महिलाओं में आत्मनियंत्रण होता तो महाभारत ना होता। कहते हैं कि द्रौपदी अपने इमोशन से कंट्रोल नहीं कर पाई और द्रौपदी ने अपने पांचों पत्नियों को कहा कि युद्ध करना होगा और मुझे दुशासन के खून से अपने बाल धोने, वही शैंपू चाहिए मुझे, और अंत में पांचों पतियों को कंट्रोल करके उनसे युद्ध करवा के उसी शैंपू से उसने अपने बाल धोए। महाभारत मतलब कुछ लोग कहते हैं महाभारत की कहानी का मूल अगर दो वाक्य में कहना तो यही है, नफरत तो उसी को थी। इसी का आरोप है, गलत आरोप है, गलत आरोप है, चलो ठीक है। तो जब भी कोई आपसे पूछे कौन सी बातें हैं, चार बताइए। लेकिन अब देखिए कि इन लोगों की शब्दावली में इनका मतलब क्या है, इन पर ज्यादा विस्तार बढ़ जाएंगे, नोट्स में आपके पॉइंट्स लिखे हैं, पढ़ लीजिएगा और उससे हो जाएगा। ये जनरल मॉडल हुआ जो परीक्षा में आपको लिखना चाहिए ना, अगर कोई आपसे पूछे तो आप गोलमैन को फॉलो कीजिए
और हम ऐसा करते हैं गोलमैन की व्याख्या से ही बात शुरू करते हैं। डेनियल गोलमैन ने जैसे कोई पूछे ना, अब तक एक भी सवाल किसी के नाम से नहीं आया है, सवाल तो सिंपल आएगा कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता क्या होती है। आप उत्तर में कह सकते हैं कि डेनियल गोलमैन ने अपनी विख्यात पुस्तक इमोशनल इंटेलिजेंस वाई कैन इट मैटर मोर देन आईक्यू में इमोशनल इंटेलिजेंस के 5 तत्व बताए हैं, इससे बड़ी प्रामाणिकता आ जाती है। और अब चिंटू मॉडल लिखेंगे तो परीक्षा समझ जाएगा चिंटू लिख रहा है, डेनियल गोलमैन की बात लिखेगी तो परीक्षा को भरोसा जमता ही कुछ गहरी बात आने वाली है ना, तो इनके नाम से लिखिएगा। ये कह रहे हैं कि 5 बातें होती हैं, इनमें से 3 का संबंध होता है सेल्फ के साथ और 2 का संबंध होता है अदर्स के साथ। तो हम इसको बांट के समझ लेते हैं, उसने केवल 5 बातें बताई सीधे सीधे, लेकिन हम इसको 2 वर्गों में बांट के समझेंगे तो थोड़ा